क्लास वन हिंदी छोटा सा काम कभी कभी एक छोटी सी चीज भी आपको बड़ा नुकसान का कारण बन जाती है, आप लोग जानते हैं। लेकिन अगर सब समझदारी से काम लिया जाए तो यही काम बहुत नुकसानी से बचा जा सकता है। इस पाठ में कहानी के माध्यम से एक तोते के बारे में बताया गया है जो पेड़ की कोटर में से अपना चने का एक दाना निकलवाने के लिए जिद में हरे भरे पेड़ को कटवाना चाहता है। ठीक, आगे देखिए इस कहानी का। एक था तोता, तोते को चने का एक दाना मिला। तोता चना खाने पेड़ पर बैठा, चना उसकी चोंच में फिसल गया, मतलब चोंच से फिसल गया, मतलब गिर गया। ठीक, फिसल पर पेड़ की कोटर में जा गया। कोटर जानते हैं ना, पुराने पेड़ जहाँ पे कटे होते हैं और उसकी डालियां कटी होती हैं तो ये छिद्र हो जाता है, इसी कोटर में चला गया। ठीक, कोटर माने क्या होता है, खोखला या। ठीक, चला गया। तोते ने बहुत कोशिश की पर चना नहीं निकला। तोता बहुत परेशान था, वह बढ़ई के पास पहुंचा, बोला पेड़ को काटो, मेरा चना निकालो। बढ़ई बोला मैं काम कर रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं काम कर रहा हूं और मेरे पास समय नहीं है। तोता बहुत निराश हुआ, उसने सोचा बढ़ई की शिकायत लेकर राजा के पास जाता हूं। तोता राजमहल में जा पहुंचा, राजा से बोला बढ़ई को कहो पेड़ काट कर मेरा चना निकाले। राजा ने कहा इतनी छोटी सी बात मैं बढ़ई से नहीं कर सकता। तोता रानी के पास पहुंचा और कहा रानी राजा को कहो कि बढ़ई से पेड़ कटवाए और मेरा चना निकलवा दे। रानी ने तोते से कहा मैं इतनी छोटी सी बात राजा से नहीं कर सकती। तोता उदास हो गया, उदास माने दुखी। तोता उदास हो गया, वह चूहे के पास गया। उसने कहा चूहे भैया तुम जाकर रानी के सारे कपड़े उतार डालो, मतलब रानी के पूरे कपड़े उतार डालो। उसने राजा से कहा कहकर बढ़ई से पेड़ नहीं कटवाया। चूहा बड़ा समझदार था, उसने कहा तोते भाई जरा सी बात पर हरा भरा पेड़ कटवाना ठीक नहीं है, मुझे बताओ कहाँ है वह पेड़ जिसमें तुम्हारा दाना गिरा है। तोता चूहे को पेड़ के पास ले गया, चूहे ने कोटर में जाकर उसका दाना निकाल दिया। तोता दाना खाकर खुश हुआ, खुश माने प्रसन्न हो गया। तोता दाने को खाकर प्रसन्न हो गया। देखिए तोते ने मौखिक, आप लोग को बताना है मौखिक प्रश्नों को, अभी हम दिखाएंगे बाद में। तोता ने राजा ने तोते के काम को छोटा क्यों कहा? तोता का काम छोटा था या बड़ा, आप लोग बताइए। रियल वास्तविक में कि तोते का काम छोटा था, क्योंकि राजा को तो पूरे राज्य का मालिक था और राजा पूरे राज्य के प्रजा को देखेगा, इसलिए छोटे काम, ये तो छोटा काम था ही। अगर आप तोते की जगह उड़ सके तो क्या होगा? आप बताइए कि आप तोते की जैसे आप उड़ सकते हैं तो क्या है, खूब मजा आएगा। इस पेड़ पर उस पेड़ पर जाएंगे, इस छत से उस छत पे जाएंगे, खूब मजा आएगा, खूब बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले पूरी खूब खाएंगे। ठीक, अगर तोता सबसे पहले चूहे के पास चला जाता तो क्या होता? सबसे पहले चूहे के पास चला जाता, समझदारी उसकी तो थी नहीं। अगर समझदारी होती कि पहले सबसे पहले चला जाता तो तोते को उसका दाना मिल जाता। अगर बढ़ई तोते की बात मान लेता तो क्या होता? तोते की बात मान लेता तो पेड़ कट जाता और बहुत भारी नुकसान हो जाता उसमें, क्योंकि बहुत से पक्षियों का निवास स्थान रहा होगा, बहुत लोग छाया लेते होंगे, बहुत लोग फल लेते होंगे उस पेड़ से, इसलिए ये अच्छा नहीं था।
अगर चूहा रानी की कीमती कपड़े काट देता तो क्या होता, रानी की कीमती कपड़े काट देने पर बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। ठीक, अब प्रश्न उत्तर हम आप लोग को लिखा देंगे अभी। राजा समझिए और लिखिए, राजा रानी समझिए और लिखिए, राजा रानी ये राजा रानी ये क्या है, लिंग, लिंग परिवर्तन है, नाना नानी लिंग परिवर्तन। हिंदी में लिंग कितने होते हैं, दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। तो इसमें राजा का क्या होगा, रानी होगा, नाना का क्या होगा, नानी होगा, नाना का नानी, और काका का काकी, चाचा का चाची, दादा दादी, मामा मामी, हाँ उल्टे अर्थ वाले मतलब विलोम शब्द उल्टे अर्थ वाले आप लोग लिखिए, जैसे सुख का दुख होता है उल्टे अर्थ वाले ये अलग है, विलोम शब्द उल्टे अर्थ वाले, उल्टे अर्थ वाले, खुश का, खुश का दुखी, छोटी का, छोटी का बड़ी, नहीं का हाँ, समझदार का ना समझ, दूर का आना का जाना, पास आना जाना। ठीक, थैंक यू।